हमें तो इंसाफ चाहिए, रिलीफ नहीं चाहिए। आप इंसाफ दें, आप जजेस तो हैं, वो हिम्मत करें और इंसाफ करें। वो जो उन्होंने वर्दी पहनी हुई अच्छी लग रही थी, अब तो वो डॉक्टर वाला उन्होंने भी जो देखिए, मुझे तो वो किसी हाल में भी अच्छी नहीं लगती जो भी पहन ले। मुझे तो मनहूस नहीं लगती है वो हमेशा से, और वही लगती रहेंगी, मुझे कभी पसंद नहीं थी वो। हमको एक जमहूरी मुल्क है, आप लोग वोट दे किसी और का, निकल किसी और के नाम का जाए, इससे बड़ी ज्यादा और क्या हो सकती है। आप उससे नफरत करती हैं भाई, कोई जबरदस्ती अगर करते भी हो तो कोई कोई खाना काबा तो नहीं हो जिसके घर सामने चक्कर काट काट के लंबा ही करते जाना, और कोई दूसरा लफ्ज नहीं कह सकते। किसी को पसंद हो तो किसी को ना पसंद भी हो सकते हो ना। कहते हैं जी क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं हमें हर बात पे, हमारे बदतमीजी है ये वो, क्योंकि आप लोगों की पसंद से नहीं आए हो ना। वो जैसे मुहावरा ना, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, उसी तरह हुकूमत वही जो लोगों की मर्जी से आई। सारी हुकूमत कितना डरती है, मतलब आप ये देख ले ना। अब आप देखिए जेल में हमारे पास जो खान साहब की पिक्चर्स वाले कपड़े थे वो हमसे छीन लिए, हमारे वो तलाशी कराए और हमारे से वो सारे कपड़े छीन लिए। आपके पास कोई बैंड नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, मतलब अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकते आप इस मुल्क में। मतलब ये तो हाल है यहाँ पे, और फिर आप कहेंगे हमको एक जमहूरी मुल्क है, आप लोग वोट दे किसी और का, निकल किसी और के नाम का जाए, इससे बड़ी ज्यादा और क्या हो सकती है। लोग इतनी, मतलब इतने जोश से निकले थे अपने घरों से वोट डालने के लिए, और कि जी हम अपने मर्जी का लीडर चुनेंगे। अब जो इतना क्रिटिसिज्म होता है, कहते हैं जी क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं हमें हर बात पे, हमारे बदतमीजी है ये वो, क्योंकि आप लोगों की पसंद से नहीं आए हो ना। वो जैसे मुहावरा ना, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, उसी तरह हुकूमत वही जो लोगों की मर्जी से आई। इसमें पीटीआई जो कोई सीट नहीं ले सकी, इस वाले से क्या कहें। देखिए अभी जब लोगों को पता था कि जब हम इतनी हमने मेहनत की 8 फरवरी को, हम घरों से निकले, वो वोट कोई निकला उनके नाम का, तो जिमनी में भी वही हुआ, रिजल्ट पहले से तैयार थे लोग। जितनी भी मेहनत उन्होंने की, जब पहले से आपने रिजल्ट सारे तैयार किए होंगे, तो 8 को क्या लोग घरों से नहीं निकले थे? 8 को क्या दे दिया हमें, हमारा मैंडेट दिया हमें, वो भी तो चोरी कर लिया ना सारा। तो ये वो कहते हैं जी मरियम नवाज की दिन रात की कारकर्दगी है, जिस वजह से जिमनी इंतखाब का ये जी बिल्कुल बहुत अच्छा है। दिन रात का फोटोशूट आपका मतलब नहीं, दो काम है, एक हाथ में ब्रश है, एक हाथ में पॉलिश है, और वो रगड़ रगड़ के वो पॉलिश हुआ है तो बेटर मेहनत हो गई। अच्छा ये बताएंगे जो उन्होंने वर्दी पहनी हुई अच्छी लग रही थी, अब तो वो डॉक्टर वाला उन्होंने भी जो देखिए, मुझे तो वो किसी हाल में भी अच्छी नहीं लगती जो भी पहन ले। मुझे तो मनहूस नहीं लगती है वो हमेशा से, और वही लगती रहेंगी, मुझे कभी पसंद नहीं थी वो। ऑनेस्टली मैं झूठ बोलती ही नहीं हूँ, मेरे से तो प्रॉब्लम ही सब वही है कि जी आप बहुत बोलती हैं, तो इसलिए मेरे शायद आप टारगेट भी है। हाँ तो मुझे तो, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे तो 9 महीने से पहले भी सब कहते थे कि भाई आप तो हिटलिस में है। मतलब मुझे सर इस चीज का मतलब अफसोस होता है कि शहीदों के नाम पे आप कम अज कम बहाने बना के लोगों को नहीं उठाए। शहीदों के नाम इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते, उनकी कुर्बानियां वो इस्तेमाल करने के लिए होती है। उनके मतलब खून इतना सस्ते नहीं होते कि आप उस पर सियासत खेलें या लोगों को उठा लें घरों से। उनके नामों पर मत करेंगे बेटे, अपने दम पे करते करना था शहीदों के नाम। पूरी जिंदगी अदारों से मोहब्बत की, फर्ज से शहीदों को, मतलब हम ऐसे ही जैसे हमारे अपने घर का कोई बंदा शहीद हुआ है तो हमारे हमसे इन्वेस्टिगेशन पूछते हैं कि जी आप क्यों इदारों से नफरत है या फौज से क्यों नफरत है। वैसे तो है नहीं, लेकिन अगर हो, लेट्स सपोज चले हैं, तो क्या कोई ड्रामा चल रहा है कि हम कोई हीरोइन है जिसको हीरो को जो पसंद नहीं, हीरो को आ कर रही तो हीरो उठा के ले जाए, और फिर हीरोइन को उसी हरेसर किडनैपर बासुर से मोहब्बत हो जाए। भाई हमें क्या बंद किया हुआ है, हमें मोहब्बत हो जाने वाली है। और चलो अगर मतलब ये क्या कॉम्प्लेक्स है और ये क्या क्वेश्चन है कि जी आपको, आप उससे नफरत करती हैं भाई, कोई जबरदस्ती अगर करते भी हो तो कोई कोई खाना काबा तो नहीं हो जिसके घर सामने चक्कर काट काट के लंबा ही करते जाना, और कोई दूसरा लफ्ज नहीं कह सकते। किसी को पसंद हो तो किसी को ना पसंद भी हो सकते हो ना। ये क्या इनसिक्योरिटी है कि आपके हर किसी ने हमें पसंद ही करना है? क्यों भाई, तुम लोग कुरान में तुम्हारा अलहदा से जिक्र आ गया, कोई ऊपर से अलहदा तरीके से उतरे हो। मतलब कोई भी इदारा हो, इदारा ही है ना, उसमें इंसान ही है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, डिसलाइकिंग हो सकती है, थोड़े दिल बड़े करें अपने, जर्फ बड़े करें। मतलब मैं कि नहीं कह सकती कि हर कोई मुझे पसंद करना शुरू कर। अच्छा ये जो चल रही है सोशल मीडिया से 9 मई जो है मुकम्मल, उसके बाद आप लोगों को रिलीफ मिलने वाला, तो ये इस वाले से क्या स्टार्ट करते हैं? देखिए रिलीफ तो हमें सब चाहिए होता ना जब हमने कुछ किया होता। हमें तो इंसाफ चाहिए, रिलीफ नहीं चाहिए। आप इंसाफ दें, आप जजेस तो हैं, वो हिम्मत करें, इंसाफ करें। मतलब हर बार अभी आप इस अदालत में हम थे तो यहाँ के 4 जजेस बदले, अब सरगोधा गए, वहां के एक केस से डिस्चार्ज हुआ तो जज बदल गया। तो जजेस हिम्मत करें, खान साहब की मोहब्बत में कैद रहा है। अच्छा ये आपको नहीं लगता कि खान साहब की मोहब्बत में कैद है? नहीं नहीं है, आपकी मोहब्बत में कैद हुआ बिल्कुल भी गलत बात है, ये आपकी मोहब्बत में कैद हुआ, लेकिन आपकी मोहब्बत में अब ये सियासतदान भी बनता जा रहा है। बस मेरी मोहब्बत में कोई सही, इतनी जबरदस्त ये स्पीच करता है कि आप हैरान रह जाए। टीचर है, बोलना तो उसका काम ही है ना, लेक्चर और ये सब, तो वहाँ पे आप सियासत में भी शामिल। लेकिन सनम आपसे कोई नहीं जीत सकता।